आज बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बर्फी। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में 50-50 ग्राम काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट लिया है और यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच ये पम्पकिन सीड्स लिए हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। इन्हें मैंने 1/4 टेबल स्पून घी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, एकदम हल्का सा भूनना है। और फिर मैंने ये लिया है 1/2 कप तिल, वाइट तिल लिया है। इसे भी मैंने हल्का सा भून के इसी ड्राई फ्रूट्स के साथ में निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी गरम किया है। इसमें मैंने ये 2 कप खजूर ली है और इसे भी हल्का सा भून के मैंने एक साइड में निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, ये जो ड्राई फ्रूट्स और तिल को मैंने भूना था, इसका हमें दरदरा पाउडर बनाना है। एकदम दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। इसे भी इस ट्रे में निकाल लेते हैं। और अब ये जो हमने खजूर और ये किशमिश को भी इस तरह से पीस लेना है। किशमिश और ये ड्राई फ्रूट से हम बनाएंगे बर्फ़ी। तो पहले मैंने एक थाली ले ली है, इसमें ये खजूर को निकाल लिया है। मीठे में सिर्फ मैंने यहाँ पे खजूर ऐड की है और 1/4 पोर्शन मैंने ये पाउडर का लिया है, ड्राई फ्रूट पाउडर का। और इसे बिल्कुल हाथों से एकदम मसलते हुए इस तरह से मिक्स कर लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। ज़्यादा घी नहीं लगेगा इसमें, ये बहुत हेल्दी है और आपके बच्चे इसे ज़रूर लाइक करेंगे। इसे मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। अब ये एक फाइल पेपर में इस तरह से 1 पोर्शन रख के रोल कर लिया है, टॉफ़ी की तरह बिल्कुल। अब इसे एक साइड में रख दिया है। इसी तरह से मेरे ये 3 बड़ी टॉफ़ी बन के रेडी हुई है। अब लड्डू बनाने के लिए मैंने इसी पैन में 1/2 कप देसी घी लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा और मैंने 1/4 कप ली है सूजी। सूजी मैंने एकदम बारीक वाली ली है। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। सूजी हमारी भूनकर रेडी है। अब इसमें जाएगी 2 चम्मच सॉल्ट पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून लौंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर। ये सभी मसाले बहुत हेल्दी हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये जो ड्राई फ्रूट मिक्सचर हमने रेडी किया था उसे भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब ये एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें और 1 कप गुड़ लिया है और इसमें सिर्फ 1/4 कप मैंने पानी डाल के इसे मेल्ट कर लेना है। इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक कि ये अच्छे से पूरा गुड़ मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसे हमें ठंडा होने तक वेट करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना रहना चाहिए। फिर इस मिक्सचर में इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्पून का यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत गरम गरम था, मैंने गरम गरम ही डाल दिया था। आप इसे थोड़ा ठंडा करके ही इसमें डालिए। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें बस अब इसके लड्डू बांध लेने हैं। एकदम छोटे छोटे लड्डू इसके बनाकर रेडी कर लीजिए और ये 1 लड्डू दूध के साथ आप अपने बच्चों को और बड़ों को सभी को दे सकते हैं। लड्डू हमारे सभी बन के रेडी हो गए हैं। अब बर्फी बनाने के लिए जो मैंने मिक्सचर को फॉइल पेपर में रोल किया था उसे खोल लेते हैं और अब इसे हमें अपने मनपसंद शेप में कट कर लेना है। आप जैसा चाहें, जिस शेप में चाहें इसे कट कर सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बर्फी रेडी है।